अच्छा वालेकुम, मैं अकोला से हूँ और मेरा सवाल आज की टॉपिक पे है। जैसे अगर आपने ज़कात और खैरात के बारे में बताया है, मैंने अक्सर देखा हूँ उधर अकोला या दीगर और शहरों में तो कुछ फ़कीर लोग चादर लेके घूमते हैं और उन्हें कोई खैरात करना चाहता है, 5, 10, 15, 20 रुपए की नहीं लेते हो, बोलते हमारा सवाल है 501, 1001, 1101, ऐसा जबरन मांगते हो और कोई वली अल्लाह का वसीला दे के मांगते हैं कि आप हमारा सवाल पूरा कीजिए, 501 या 1001 दीजिए, हम वो दरगाह पे जाके चादर वगैरह चढ़ाते हैं, आपके हक में दुआ करेंगे। इनके लिए कुरान हदीस से क्या तरीका है, खैरात करना चाहिए या नहीं? देखिए बहरहाल भाई ने सवाल किया, कुछ लोग होते हैं जो भीख मंगी को प्रोफेशन बना लेते हैं, वो लोगों से मांगते हैं और मांगते भी हैं तो बिल्कुल वट के साथ मांगते हैं और एक पूरे अज़्म के साथ मांगते हैं कि इतने इतने 100 रुपये दिए जाए और ऐसा किया जाए वरना ये हो जाएगा, और वसीला लेते हैं नेक लोगों का, इस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़, गदागिरी, भीख मंगी, इस्लाम में मांगना बे इंतहा इस्लाम ने इसको नापसंद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू दाऊद की रिवायत, एक शख्स आया और कहा अल्लाह के रसूल मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मदद कीजिए, सदका दीजिए। तो आपने कहा तेरे घर में कुछ है? रावी कहते हैं उसके घर में एक चादर थी जिसके ऊपर ऊन जैसी कुछ चीज़ें लगी थी। तो कहा मेरे पास सिर्फ एक चादर है घर में कपड़े के अलावा। कहा ले आ। उसने चादर लाई, आपने चादर उठाई और रास्ते में खड़े और कहा कौन ऐसे खरीदेंगे? एक ने कहा 2 दिरहम, तो कहा कम है। एक ने कहा 4 दिरहम, तो कहा ठीक है तुम्हें बेच दिया गया। आपने 4 में बेचा, 2 दिरहम आपने कहा कि घर के खर्च के लिए रख, और आप उसे पकड़ के ले गए अपने हाथ से, बाजार में गए, 1 दिरहम में एक लकड़ी खरीदी, 1 दिरहम में एक जो है कुल्हाड़ी का जो सामने का हिस्सा था खरीदा, और अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से उसको फिट किया उस लकड़ी के अंदर, कहा अब जा और लकड़ी काट कर ला। तो आपने भीख मंगी को, गदागिरी को बहुत सख्त नापसंद किया। सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो शख्स बिला उज्र के भीख मांगता है, और उज्र क्या है मालूम आपको? आपने फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना हो दूसरे वक्त का भीख मांगना हराम है। उज्र ये है, एक वक्त का भी ना हो, मतलब एक वक्त का है तो अगले का मांग लेना एडवांस, ये जायज़ नहीं है। उज्र हो और वो बगैर उज्र के मांगता है, उसके पास कोई वजह नहीं है, ठीक, और वो जो है पैसे मांगता है, तो आपने फरमाया कि वो शख्स रोज़े क़यामत अल्लाह के पास ऐसे हाजिर होगा कि उसके जो है चेहरे पर गोश नहीं होगा, इसलिए कि वो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह ने देने के बावजूद लोगों के सामने हाथ फैलाता था। तो शरीयत इस्लामी ने गदागिरी को, भीख मंगी को बहुत नापसंद किया, तो लिहाजा ऐसे लोग जो मांगते हैं ये मुस्तहिक होते भी नहीं आते, खानदान दर खानदान डिपेंड होते हैं। शरीयत ने बिल्कुल ऐसी चीज़ को पसंद नहीं किया, नहीं हमारा खानदान सिर्फ खाने वाला रहता है, आप लोगों का काम है कि हम मदद करें, ये दुरुस्त नहीं। इस्लाम चाहता है लोग कमाएँ, काबिल बने और अपने कदमों पे खड़े हो, तो बहरहाल ऐसे लोगों को आप देने से बिल्कुल परहेज करें, इसलिए कि बहरहाल ये दुरुस्त नहीं। और कभी कभी तो शिर्क के नाम पे मांगा जाता है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप इस मामले में एहतियात करें।